तुझे अस्सलामुअलैकुम। कल रात को भी बहुत लेट आए थे और फिर खाना खा के सो गए थे, बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी ये खाना वाना खा के और जब सोने का टाइम था तकरीबन 12 से 1 बजे तक सो गए, तो उस वजह से कल रात को भी और जो रोड था उस पर भी इतना वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि जो वहाँ पर प्रॉब्लम यही था कि टैक्सी ऐसी थी कि उसमें वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था। मैंने ऐसे इधर उधर से वीडियोस कुछ बनाए लेकिन इतना अच्छा नहीं था। तो इसके बाद जो है सो के अभी भी थोड़ा लेट उठ गए, तकरीबन 9 बजे, और अभी हम यहाँ से निकलने वाले दोस्त भी है, तो अभी हमने गाड़ी पकड़ा है रेंट कार और उसमें हम लोग जाएंगे। तो ये गाड़ी है हमने रेंट पर लिया हुआ और हम इसमें जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है रियाद में शमीसिया इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, और यहाँ का जो मार्केट वगैरह मतलब जो लोकल ये सब कुछ आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही अलग देखने को मिलता है आपको यहाँ का व्यू बहरीन से। रियाद में शमीसिया बोलते हैं इसको। तो अभी हम यहाँ पर गाड़ी का पानी और ऑयल वगैरह चेक करके हम यहाँ से निकलने वाले, और यहाँ पर एक्चुअली ये जो नया गाड़ी थे ना ये इधर आप ये देख सकते हैं, ये है ना, ये एक्चुअली ये है फेरी जो साबुन होता है ना डिश वॉश वो यूज़ करते हैं एक्चुअली, इसके लिए गंदा नहीं है ये, इसलिए कि जब आप सफ़र आपका ज़्यादा हो ना तो ये जो सन आता है ना रोमर जो अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर है मेरे ख्याल से उसको उसकी वजह से जो गाड़ी का कलर वगैरह है वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से इसको ये लगा लेता है। तो कल रात को जब हमने ये गाड़ी लिया तो आदमी हमको उसने बताया कि आप इस पे फेरी लाजमी लगाइए, अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वो इसका तकरीबन 10 रियाल इसका लेते हैं फेरी लगाने का सिर्फ फ्रंट पर, लेकिन गाड़ी 2024 है और पता नहीं क्यों इतना ऐसा ये लोग रखता है। देखो आप कंडीशन देख सकते हो 2024 का गाड़ी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से रोड का काम चल रहा है, और मौसम भी बहुत ठंड है, हो सकता है बारिश आ जाए, बारिश का मौसम है। अभी इसने पानी डाल दिया यहाँ पर। सुभान अल्लाह जी सहर अल्लाह फाजा व मकना अल मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। तो जी हम यहाँ से निकल चुके हैं और इंशाल्लाह तो वहाँ पर मैंने एक ये आप देख सकते हैं ये है एक बकाला यहाँ पर बोलते हैं जो आप कोल्ड स्टोर बोल सकते हैं, वहाँ पर मैंने दो तीन कोकम्बर लिया क्योंकि मेरा जो मैदा उसके लिए सुबह नाश्ता करके थोड़ा पील हो रहा था कि सही नहीं है, तो रास्ते में थोड़ा दो तीन कोकम्बर खाके ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हमने लेना है पानी, यहाँ पर अभी पानी लेंगे, रास्ता सफ़र ज़्यादा है इसलिए
बारिश तो जी अब देख सकते हैं ये है पूरा 8 hours और 14 मिनट जो गूगल मैप्स में मतलब अगर आप डायरेक्टली जाएंगे स्टॉपिंग वगैरह ट्रैफिक की कुछ जहाज के बगैर अगर आप जाएंगे तो मतलब 877 किलोमीटर रास्ता है, लॉन्ग जर्नी है और हल्का हल्का बारिश। तो इंशाल्लाह हम भी अभी से निकले और सज्जाद भाई ड्राइविंग कर रहे हैं तो चलते दुआओं के साथ और मक्का की तरफ, इरादा किए हुए उम्र के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल हाँ सही दस रहा क्या कहते हैं आप देख सकते हैं ये जो है जैसे बोल्ट होते हैं ना टाइट करके सर लगता है नट बोल्ट सेम इसका ये ब्रिज के ऊपर इसने ये एक डिज़ाइन बनाया और यहाँ पर इसको रसियो वाला ब्रिज कहते मतलब फेमस इस नाम पर है रसियो का ब्रिज। माशाल्लाह बारिश बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर। माशाल्लाह यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं और बारिश के खतरे बड़े बड़े हैं।
बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जो बारिश है उसकी वजह से सामने का विंडस्क्रीन जो है उसकी वजह से बराबर नहीं देख सकते। ये है मेट्रो स्टेशन यहाँ का, रियाज़ का। रियाज़ देखना, और रियाज़ रियाज़ के कम जाए रियाज़ पर ये फुल पेट्रोल स्टेशन में आया है, और यहाँ पर भी दो किस्म के पेट्रोल है। कैश माफी कितना कितना कम ये हम पेट्रोल फिल करेंगे यहाँ पर, और इंशाल्लाह फिर यहाँ से भी निकलेंगे। और जो पेट्रोल स्टेशन है ये कौन से जगह पर है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पर है,
بس هم ضعف في بس ممكن